एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान. जब भी कोई नई चीज शुरू करते हैं ना, उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है, उसके एडवेंचर अलग होते हैं. एंड दैट्स द होल स्पाइस ऑफ लाइफ, बिकॉज यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स. हमारे साथ भी जरा नए नए बच्चे आए हैं, नए इंटर्न्स आए हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे आर टेकिंग द इंटायर एनवायरमेंट इन. बाय द वे, मैंने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया था, आई एम लुकिंग फॉर अ मीडिया इंटर्न, खासतौर पर कॉन्टेंट रिलेटेड टू सोशल मीडिया फॉर द अपकमिंग 2 months. तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, जबरदस्त आप लोगों ने मुझे प्रोफाइल्स भेजे हैं, आई लेट यू नो इन अ वीक. लेकिन अगर आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी तक अवेल नहीं कर पाए हैं, तो आप फॉरन जाएं मेरे इंस्टाग्राम पे, सेंड मी योर हैंडल सो आई नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग. आई नीड समबडी हु इज क्विक, हु इज एस्थेटिकली वेरी शार्प, जो अगले 2 महीने हमारे साथ हो. अच्छा जी, आगे बढ़ते प्रोग्राम में. आज जो मेरा टॉपिक है ना, वो बड़ा फेवरेट टॉपिक है. और आज ये दिस शो, दिस कॉन्वर्जेशन इज डेडिकेटेड टू माई मरहूम नाना, जो हमेशा कहते थे कि बेटा बाकी चीजें आगे पीछे हो जाएंगी, बट लिखत पढ़त पूरी होनी चाहिए. चाहे दुनिया में कोई तुमसे कुछ पूछे ना पूछे, अगर आप कोई कानूनी काम कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं, उसका ब्लैक एंड व्हाइट में होना बहुत जरूरी है. माई नाना यूज टू सर्व इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन द ब्रिटिश इंडिया. तो वो अपनी वैल्यूज को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते थे. उन्होंने छोटे बचपन में ना 10 कमांडमेंट सिखा दी थी, और उसका एक आपने सुना ही होगा, द कमांडमेंट इज सो शैल इट बी रिटन, सो शैल इट बी डन. यानी जो लिखा जाएगा वो होता भी है. लेकिन ये नई जनरेशन इन डॉक्यूमेंट्स को इम्पोर्टेंट नहीं समझती, बल्कि मिनहसू कौम हमारे लिए हमारे दस्तावेजात इम्पोर्टेंट नहीं है. आप जिस घर में रहते हैं उसके कागजात पूरे नहीं होंगे, जिस गाड़ी को चलाते हैं वो गाड़ी के कागजात पूरे नहीं होंगे. हम कहते तो हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला कोई हमसे रिश्वत ले लेता है, लेकिन रिश्वत देने पर भी आमादा आप इसलिए होते हैं क्योंकि ना आप गाड़ी के पेपर्स लेके चल रहे होते हैं, ना आपके पास लाइसेंस होता है. यहां तक कि अपनी 14, 16, 18 साल की मेहनत जो आप अपनी एजुकेशन के लिए करते हैं, आखिर में जाके पता नहीं क्या हो जाता है, आप अपनी डिग्री नहीं पिकअप करते, आप अपने ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं पिकअप करते. और अगर कहीं फिर 10 साल के बाद एकदम ख्याल आता है, तो भाई वो जो पढ़ा लिखा था उसका कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत नहीं मिल रहा. तो दीज आर द थिंग्स वी वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू. यहां तक कि हमारे यहाँ माशाल्लाह आबादी, शादी खाना आबादी के बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे की उम्र 10 साल की हो जाती है, 13 साल की हो जाती है, उसका बेफॉर्म नहीं बना हुआ होता, उसका बर्थ सर्टिफिकेट आप जाके उठाते नहीं है. तो क्या ये लिथार्जी है, क्यों हम इन चीजों को अहम नहीं समझते? और खुदा ना खासा अगर कोई मुश्किल पड़ती है, अगर आपके घर का कोई फर्द दुनिया से चला जाता है और उस वक्त किसी कानूनी कार्रवाई की जरूरत है, कई लोगों की लीगल हैसियत ही कोई नहीं होती. एक बीवी है जो पिछले 15 साल से आपकी जौजा हैं, लेकिन उन्होंने कभी मिसेस का शिनाख्ती कार्ड नहीं बनाया, किसी दस्तावेज में, किसी डॉक्यूमेंट में उनकी कानूनी हैसियत वो नहीं है, अपना निकाह नामा लोगों ने रजिस्टर नहीं कराया. क्या वजह है दैट वी डोंट सी दी इंसेंटिव इन डूइंग दिस? आज इस पर जरा बात करते हैं. और इसकी वजह से होने वाली मुश्किलात कई दफा डुप्लीकेट नंबर्स बन जाते हैं, लेटर ऑफ यू नो अटर्नीज आपको किसी और के हवाले कर देते हैं, और आपका बड़ा नुकसान हो जाता है. इस पर हम जरा बात करते हैं. आज हमारे पास एक बहुत ही एक्सलेंट पैनल है जो इसको मुख्तलिफ जावियों से देखेगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हर इन माई कराची स्टूडियोज, क्योंकि आमतौर पर जरा वर्चुअल लिंकअप होता है. लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट, हम सबकी फेवरेट, जिनसे आज बकायदा मुलाकात हो रही है कराची में, डॉक्टर सहर चावला. थैंक यू सहर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे. थैंक यू सो मच. और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम के. इतनी मेहनत करते हैं बच्चों को 18-20 साल पढ़ाने में, लेकिन वो अपनी ही मेहनत को जाया करने पे तुले हैं जब वो अपने डिग्रीज नहीं पिक करते, उसको HEC से वेरीफाई नहीं कराते, अटेस्ट नहीं करते. क्या कबाहत है इसमें और क्यों इसको पुट ऑफ करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जैदी, हु इज द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम. थैंक यू नासिर फॉर मेकिंग टाइम. थैंक यू सर. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, क्यों हम इन कानूनी दस्तावेजात को अहम नहीं समझते और इनकी जानकारी नहीं रखते और इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगी द चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट लाहौर हाई कोर्ट. इसके अलावा बार एसोसिएशन से भी इनका ये वाबस्ता है. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, शी इज एक माहिर कानूनदान है. हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अमरीन कुरैशी. थैंक यू अमरीन फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टूडे. सबसे पहले अगर मैं नासिर आपसे शुरुआत करूं, स्टूडेंट्स जो अपनी जिंदगी का इतना अहम जो दस्तावेज होता है अपनी डिग्री, क्यों नहीं उठाते, या अगर उनको उसकी कदर नहीं होती, अगर गुम जाती है उसके बाद भी उसको प्रायोरिटाइज करके फौरी तौर पर डुप्लीकेट नहीं बनाते, वहां पे आप लकुना क्या देखते हैं? सद्रा, थैंक यू वेरी मच. इट्स अ वेरी पर्टिनेंट टॉपिक टुडे एंड आई वुड लाइक टू बिगिन विद कि चार्ल्स डक एक बड़े फेमस फिलोसोफर थे. उन्होंने अपनी बुक में लिखा द पावर ऑफ हैबिट्स में कि पहले इंसान अपनी आदतें बनाता है और फिर अपनी उन्हीं बनाई हुई आदतों के जो है वो गिर्द
जो है वो अपनी जिंदगी को गुजारता है। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में बच्चे को कहा जाता है कि वो एक कोरी किताब होता है, थोड़ी सी नर्चरिंग अगर पेरेंट्स के एंड से, टीचर्स के एंड से हो जाए और उस बच्चे को बताया जाए कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू गेट सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ। क्योंकि जब आपने बात की डॉक्यूमेंटेशन की, डेटा गैदरिंग की, तो मेरा ख्याल है कि इट्स मोर अबाउट कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसिप्लिन। प्रॉब्लम ये होती है कि जब बच्चे स्कूल से ग्रेजुएट कर रहे होते हैं, कैम्ब्रिज सिस्टम से, मैट्रिक से, तो उनको पता लगता है कि जी हमारे पास तो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, जो हमने स्पोर्ट्स के इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था वो नहीं है। आगे उनको एडमिशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है। अभी थोड़ी देर पहले जब आपने बात की कि इवन के यूनिवर्सिटी से जब आप डिग्री हासिल कर चुके होते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो बहुत खुशी से ये बात बता रहे होते हैं कि जी मेरे तो फादर का अपना बिजनेस है, मैंने 2012 में ग्रेजुएशन की थी और अभी तक मैं अपनी डिग्री लेने को नहीं गया। अब जब मैं किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो अब मुझे जरूरत पड़ी है, तो यूनिवर्सिटी मुझसे 2 महीने मांग रही है और मुझे जो है वो 1 हफ्ते के अंदर जमा कराना है। हमारा सिस्टम खराब है, यूनिवर्सिटी वाले मुझे डिग्री इशू नहीं कर रहे। अक्सर नाराज और खायफ नजर आते हैं कि जब कहीं का वीजा अप्लाई करना होता है इतने वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कई लोगों के इसी बहाने डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, वरना तो होते ही नहीं हमारे पास। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो बहरहाल ये वो मसाइल है, मेरा ख्याल है कि यस वी हैव टू, आपने इतना अच्छा आज का टॉपिक जो है वो सेलेक्ट किया है। और जो पेरेंट्स खास तौर पे देख रहे हैं वो अपने बच्चों को अगर कहें कि बेटा लाइफ में डिसिप्लिन, इट ऑल स्टार्ट्स विद कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को गैदर करें, एक जगह पे संभाल के रखें। अच्छा माशाल्लाह सहर, ये खवातीन घरेलू जो खवातीन होती है, खातून खाना, उसका भी यही हाल है। एक जमाने में हम देखते थे कि खवातीन डिसिप्लिन होती थी कि घर में कोई भी बिल आया, यूटिलिटीज का बिल आया, तो एक यू नो कोई ना कोई एक फाइल होती थी जिसमें बगैर सोचे समझे, बेशक आप सॉर्टिंग बाद में करें, उसमें उसको फाइल कर दें। अब ये चीजें रही नहीं गई हैं। आप देखें आधे वक्त घरों में इसी बात पे लड़ाई हो रही होती है कि टेलीफोन का बिल कहाँ रखा हुआ है, बिजली का बिल कहाँ रखा हुआ है, क्यों नहीं हम इन डॉक्यूमेंट्स को संभालते। अस्सलाम वालेकुम जी सिद्रा और आज की टीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, आई एम इक्वली थ्रिल्ड। मैं तो सबसे पहले इस बात को एड्रेस करना चाहूंगी कि स्पून फीडिंग जब हम अपने बच्चों को छोड़ देंगे ना, अब चाहे खवातीन भी हैं चाहे मर्द भी हैं, सब बच्चे से बड़े ही हुए हैं और सबको पेरेंट्स ने पाला है और सबको पेरेंट्स ने इस तरह पाला है कि किसी बच्चे को मेरे समेत आज तक जब तक खुद ये चीजें करना शुरू नहीं की, जब तक 27-28 में क्या हमें पता था बेफॉर्म बनाने के लिए कहां भाग दौड़ करनी पड़ती है, क्या हमें पता था डोमिसाइल बनाने के लिए कहां भाग दौड़ करनी पड़ती है। मैं यहां बैठ के कर सकती हूँ कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को इस वक्त ये भी नहीं पता होगा कि उनका डोमिसाइल किस शहर का है, और उसकी रीजन ये है क्योंकि अपने डोमिसाइल के लिए भागदौड़ उन्होंने नहीं की है, उनके डोमिसाइल के लिए भागदौड़ या उनके किसी बड़े भाई बहन ने की है या उनके किसी वालदैन में से किसी ने की है, और वो तब की है जैसे कि आपने कहा वीजा बनाना पड़ा है या किसी कहीं पे जाने के लिए कोई कागज वगैरह चाहिए, किसी जॉब के लिए कागज चाहिए, तो तब की है। अभी रिसेंटली आज सुबह 6 बजे मैं फेसबुक पर एक स्टेटस पढ़ रही थी और उस पर मैं पढ़ रही थी कि मेरी अब फिलहाल किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिया हुआ था कि वो मुझे डिग्रीज इशू नहीं कर रहे, मेरे पास सिर्फ 4 दिन है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अपनी डिग्रीज के लिए। तो अभी सर ने इस बात को इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करते नहीं हैं और एकदम अगर अब आपको 2 हफ्ते में अब डिग्रीज चाहिए तो तब आपको पता लगता है कि इस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अपने बच्चों में ये हैबिट आप सिर्फ तब इंकल्केट नहीं करेंगे जब वो 18 साल के हो जाएंगे और उनको अपने डोमिसाइल और बेफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। अपने बच्चों में ये हैबिट आप तब स्टार्ट करेंगे जिस दिन से वो स्कूल में दाखिल होंगे और आप उनको बताएंगे कि सेलफोन के कैलेंडर पे नहीं, कॉपी के डायरी के कैलेंडर पे अपने दिन के इवेंट्स मार्क करना कितना जरूरी है। आप सब जानते हैं कि मैं न्यूट्रिशंस का काम भी करती हूँ, कंसल्टेशंस लाइंड अप होती हैं, मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मेरी डायरी में लिखा हो कि कितने बजे कितने बजे कितने बजे क्या करना है। ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे आपको चीजें राइट डाउन करने की आदत हो जाती है। सर ये बात मैं बल्कि अमरीन की तरफ लेके जाना चाहूंगी। अमरीन पढ़ी लिखी समझदार लड़कियां जिनकी एक अच्छी उम्र में शादी हो रही होती है ना, कम से कम लड़कियों की उम्र 18-19, चले आप 20-25 साल की उम्र की लड़कियों को भी देख लें, पता नहीं क्या होता है कि वी समहाउ लेट गो ऑफ ऑल कंट्रोल। आप किसी भी न्यूली मैरिड लड़की से पूछें आमतौर पर उसको नहीं पता होगा उसका पासपोर्ट, उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी डिग्री, यहां तक कि उसका निकाहनामा रजिस्टर्ड, ये सब चीजें कहां हैं। सडनली आप सारी अपनी ऑटोनॉमी, अपनी खुद मुख्तारी छोड़ देते हैं और अपने दस्तावेजात का ख्याल नहीं रखते। इस पे आप क्या कहेंगी? थैंक यू सुधरा। मुझे लगता है कि ना सिर्फ औरतें, आदमी अगर हम जनरली भी देखें, हम लोग एज ए नेशन, हम लोगों को लीगली अवेयर नहीं किया जाता। अंटिल और अनलेस कोई चीज इलीगल हो जाए और फिर आप अदालत जाएं तो फिर आपको पता चलता है कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए थी या क्या क्या पता होना चाहिए था। सो ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर हम इसको स्कूल लेवल पे ही इंट्रोड्यूस कर लें कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है या इस तरीके से आपकी अगर जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको फुलफिल करनी चाहिए, तो आई थिंक शायद एक शोर पैदा हो जाए ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि लॉ क्या है,
क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर आप उसकी उस पर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है क्या उसकी रेपरकशंस हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे आप कह रहे हो कि किसी की शादी हुई है और उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, सो पहली बात तो आई थिंक आईडी कार्ड होना चाहिए और लीगल रिक्वायरमेंट है निकाह के टाइम पे कि निकाह नहीं हो सकता जितनी देर तक आईडी कार्ड ना बने। साथ ही रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन अगर आप ना करें वो भी एक ऑफेंस है। सो ये सारी चीजें जो है, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या चीज होती है कि मेरे पास अगर ये चीज हो और अगर मेरे पास ये ना चीज हो, फॉर इंस्टेंस सेल अगर आपने घर बेच दिया है। बैरिस्टर अमरीन, बिफोर वी मूव ऑन टू द सेल डीड्स, मैं यहाँ पे इसको लिंक करना चाहूंगी खवातीन के हुकूक के इशू से। देखिए, आपने बड़ी अहम बात की कि शिनाख्ती कार्ड के बगैर आपका निकाह रजिस्टर्ड नहीं है, निकाह नामे को रजिस्ट्रेशन अलग करवानी है। लेकिन हम ये देखते हैं हमारे माशरे में समाजी रवैये, एक झिझक, एक लिहाज का जो तस्वुर है उसमें लड़कियां आगे बढ़कर इन डॉक्यूमेंट्स की कम्प्लीशन की बात नहीं करती। या तो उनके वालिद या के भाई या यहां तक कि उनके खाविंद या ससुर उनको कहते हैं इनकी जरूरत नहीं है, हाँ जी हो जाएगा, इसकी क्या जरूरत है। तब एक खातून कैसे आवाज बुलंद करे या उसको बड़े लिहाज के साथ कैसे कहे कि नहीं जी ये चीजें मुकम्मल करनी है, ये दस्तावेज मुकम्मल करने, क्योंकि लड़कियां अकेले नहीं जाती हैं, खवातीन अकेले नहीं जाती हैं दफ्तरों में ये कराने के लिए। देखिए, मुझे तो लगता है कि हमें उससे पहले भी हम निकाहनामा पढ़ते नहीं है, हम सिर्फ जब वो पहली दफा जो निकाहनामा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन वन पर्सन टू द अदर, वो हम देखते हैं निकाह के टाइम पे, और उस पर हम जहाँ हमें कहते हैं हम वहां पे बस साइन कर देते हैं। ठीक है, हमें पास कुछ पता नहीं उसकी टर्म्स क्या है, क्या कंडीशन है, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपके बीच में एक और शख्स के साथ, गेट द जेंडर। मगर हमें एक तो उससे पहले बिफोर एक्चुअली फाइंडिंग आउट कि हमने क्या रजिस्टर करना, ये भी बहुत जरूरी है कि हमें एक आदत पड़ जाए कि हम औरतें सारी अपना निकाह होने से पहले निकाहनामा पढ़ ले। इसको बिल्कुल अमरीन, बल्कि आपकी बात को सेकंड करते हुए मैं कहूंगी, मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, किसी भी चीज पे दस्तखत करने से पहले, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने से पहले, अपना कोई अहम दस्तावेज किसी के हाथ में देने से पहले, किसी चेक की लेन देन से पहले, कुछ भी साइन करने से पहले उसको बाकायदा स्टडी कीजिए, बाकायदा पढ़ लीजिए, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई नौकरी लेने से पहले जरूरी नहीं है कि एचआर ने जिस वक्त आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा आप उसी वक्त साइन करें और कहें जी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है, टेक योर टाइम, रीड द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन साइन इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके बड़े अहम इशू से, क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगी कि जब हम कहते हैं कि किसी को भी अपना कोई अहम डॉक्यूमेंट उसके हवाले ना करें, इसमें क्या क्या चीजों को शुमार किया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं जी डॉक्यूमेंट्स कितने अहम होते हैं, चाहे आपके घरेलू एक सिचुएशन हो जहां पे हम देखते हैं कि खवातीन हो या मर्द हो, डिपेंडिंग ऑन द अथॉरिटी पोजीशन, कभी आपको जदोकोप करके आपसे अहम कागजात आपकी तहवील में ले लिए जाते हैं। बच्चियों की शादियां होती हैं, उनका पासपोर्ट रख लिया जाता है, उनकी डिग्रीज रख ली जाती हैं, इसी तरह घर या किसी मिल्कियत मालकियत आपकी किसी चीज की हो, वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं। इट इज वेरी सिमिलर टू कि आप किसी बैरून मुल्क कहीं काम कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, और वो आपका पासपोर्ट जब्त कर लें। ये चीजें, ये दस्तावेजात आपके अपने हैं, इसकी खुद मुख्तारी, इसकी इंडिपेंडेंस और इसकी सेफ कीपिंग आपकी अपनी जिम्मेदारी है। क्या लीगल राइट्स मौजूद हैं अगर कोई आपको पुश कर रहा हो आपके डॉक्यूमेंट्स अपने हवाले लेने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। पहले एक कॉलर की बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, मुझे ये बैरिस्टर अमरीन से बात करनी थी जरा। जी, आप सवाल कीजिए, वो आपकी बात सुन रहे हैं। सवाल ये था कि मेरी मिसिस का शनाख्ती कार्ड है, उसमें उनके फादर का नाम नहीं होता, ना पासपोर्ट में नाम नहीं होता उनका। अच्छा, मैंने FRC बनाया जी, तो उसमें उनके फादर का नाम गलत लिखा हुआ है। सही। अच्छा, फिर वही एक FRC उनका अपनी बहन भाइयों के साथ बना, उसमें नाम डिफरेंट है, उसमें नाम सही है, और जो मेरे साथ FRC बना हुआ है उसके अंदर नाम फादर का गलत है। सही। मैंने नादरा वालों से कहा कि इसको सही करें, तो वो कह रहे जी आप हम पे केस करें। अच्छा, अब बात ये कि मेरी मिसिस के फादर जो है वो हयात नहीं है जी, उनका इंतकाल हो गया 1998 में। सही। जिस वक्त ये CNIC नहीं होते थे जी, तो अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो FRC सर, तो मेरे पहला साथ सवाल है। आप मेरा जवाब दीजिएगा अमरीन की तरफ जाने से पहले, कि ये जो आपके वाइफ के फादर हैं, इन मरहूम का डेथ सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है?
होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसका जवाब आप ऑन एयर सुनिए। मैं बैरिस्टर अमरीन की तरफ जाती हूँ। बैरिस्टर अमरीन, ये बड़ा कॉमन मसला है लोगों का, खास तौर पे जब खवातीन की शादी होती है और उनके शनाख्ती कार्ड में तब्दीली उनके मैरिटल स्टेटस की लानी होती है तो कई गलतियां सामने आती हैं। FRC का जो ये जिक्र कर रहे हैं, दैट इज अ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और वो कह रहे हैं कि जो बहन भाइयों के साथ बना था और जो अब उनके कुनबे का बना है उसमें नामों में तब्दीली है, मुख्तलिफ हैं, क्या किया जा सकता है? जी, पहली बात मैं इनको एड्रेस कर दूं, इनकी सोल्यूशन की। जी हाँ, आपको सिविल कोर्ट में एक दावा दायर करना पड़ेगा नादरा के खिलाफ और पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ एक केस होता है जिसमें आपके पास जो भी एविडेंस है, अगर आप कह रहे हैं कि उस वक्त CNIC नहीं था, उसका ये बिल्कुल नहीं मतलब कि आप को जस्टिस नहीं मिल सकता और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप वहाँ पर जाके अपनी जो वाइफ थी उनका नाम लिखिए, जो एग्जैक्ट नाम था उनके वालिद का, जो एग्जैक्ट नाम था वो लिखिए, और विटनेसेस चाहिए होंगे। आपकी जो प्लेंट है, जिस जो केस आप दायर करेंगे उसमें ही बड़ा जरूरी है कि आप एक एक चीज लिखें कि उनका नाम पहले क्या था, क्या एविडेंस है आपके पास, वो सारा आप उसको दायर करें। दो आपको विटनेसेस चाहिए होंगे और वो आप करें तो इंशाल्लाह उसमें आपका डिक्लेयर हो जाएगा। वो जब डिक्लेयर हो जाता है, जो डिक्री आती है उसको फिर आप नादरा को में सबमिट करेंगे तो फिर अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस जो है वो मिल जाएंगे। एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस वक्त कि सबको कि जो नादरा का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको हर फैमिली को अभी विदाउट एनी प्रॉब्लम इस वक्त सबके पास होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अमरीन इस पे इनको गाइडेंस देने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सिदरा, मैंने आपसे ये कहना था कि ये जो ये नादरा वाले बैठे हैं, ये शनाख्ती कार्ड जब बनाते हैं तो क्यों इतनी गलतियां करते हैं ये लोग? आप देखें कि मेरे भतीजे का नाम इन्होंने जिनसी बदल दी उसकी, और फिर कह रहे हैं कि नहीं आप कुछ नहीं हो सकते, आप ये नहीं करें। दूसरे एक मेरी भाभी है, उनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ था, एक्सपायर हो गया, वो बनवाने गई तो उनसे कह रहे हैं कि नहीं आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता क्योंकि आप यहाँ की नहीं है, आप कोयटा की है, आपका नहीं बन सकता। हालांकि उनका कोई यही बना हुआ है, यही रहती हैं, लेकिन ना उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना रहे। अब एक जो एक साहब का इंतकाल हो गया है, उनकी बेटी का शनाख्ती कार्ड बनना था, एक्सपायर हो गया था, बनना था, वो कह रहे हैं कि आप अपने अब्बू का शनाख्ती कार्ड लाए। उनके वालिद को इंतकाल को 21 साल हो गए, अब बताइए वो कहाँ से लेकर आए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, ये सारी चीजें आपकी हाईलाइट की। ये सवालात स्पेसिफिकली नादरा के लिए हैं, लेकिन इसको हम एड्रेस जरूर करेंगे किसी शो में उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर। लेकिन यहां एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हम भी अपने दस्तावेज बनाते हुए उतना इंटरेस्ट नहीं लेते और बहुत उजलत से काम लेते हैं। देखिए, जहां हम कह रहे हैं कि नादरा के अमले ने गलती की, वहां पे फाइनल गो हेड एंट्री करने से पहले वो आपको हमेशा कहते हैं कि अपने सारा जो आपका डेटा है उसको रिव्यू कीजिए ताकि वो सिस्टम में चला जाए। उस वक्त रिव्यू करते हुए हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम देखें कि हमारे नाम की स्पेलिंग ठीक है, हमारे डेट ऑफ बर्थ और चीजें जो एंटर की गई हैं वो सही हैं या नहीं। दूसरी जो बात आप कह रही हैं कि अगर किसी का शनाख्ती कार्ड जिस शहर का बना हुआ होगा, या तो आपकी मूवमेंट या आपका वजह कि अब आप दूसरे शहर से क्यों बना रही है, जैसे वो मिसाल के तौर पर शादी होकर अगर कराची आ गई है तो फिर उसका सिरा वहीं से मिलता है। जो अभी अमरीन कह रही थी कि FRC पहले आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके खाविंद के साथ बनेगा, जिससे ये एस्टैब्लिश होगा कि आपको से अब कराची आ गई। ये बड़ी कॉमन सेंसिकल चीजें भी हैं, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि कई चीजें आप लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेट भी करती हैं। आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले सार, मुझे ये बताइए कि हमारा इंपॉर्टेंट दस्तावेज अगर गुम जाए या चोरी हो जाए, हमारे लिए पहला कदम यही है कि हम उसकी FIR कटवाएं, लेकिन लोग नहीं करते, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मैं ये कहूंगी कि अगर बहुत सारे लोग जो है हमारे पास यहाँ पे, आप उनकी स्क्रूटिनाइजेशन और ये स्टैट्स करना शुरू कर दें कि जितने सारे लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके पास लाइसेंस है, तो आई एम श्योर कि इस वक्त 35-40% लोगों के पास लाइसेंस जो है वो नहीं है। और उनमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनका लाइसेंस जो है वो गुम चुका हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं हमारे पास जो ID कार्ड के बगैर भी घूम रहे हैं। तो अगर हम इसकी थोड़ी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर दें इस पे रूल्स की और लॉज की, कि वो एक कहते हैं ना कि एक डंडे के जोर पे लोगों को चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। एक तो है कि नहीं है आपके पास, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि घबराहट इस बात
आपकी। अब देखें, आपका शनाख्ती कार्ड अगर गुमा और आप नया कार्ड बनवाने जाएंगे तो अमला नादरा का आपसे कहेगा कि जो गुमा है कार्ड उसकी FIR दो। लेकिन आपकी ड्यूटी है, ये आपका फर्ज है, ये हमें ऐसे शहरी समझने की जरूरत है। हर बात पे गवर्नमेंट की उंगली पकड़ के हमें चढ़ने की जरूरत नहीं है, और हर चीज का शॉर्टकट की भी जरूरत नहीं है। आप अगर वक्त निकाल के दुनिया पे एहसान करके चले गए नादरा अपना दोबारा कार्ड बनवाने, दैट इज नॉट इनफ। वो जो अपने डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर करता है। अच्छा नासिर, इसमें मैंने हायर एजुकेशन कमीशन में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, आधे वहां पे जो लोग लड़ाई कर रहे होते थे वो ये कह रहे थे कि जी ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम पूरे नहीं लाए, लेकिन जी उसके बगैर भी हमारा काम कर दें। ये एटीट्यूड हमारा कब बदलेगा? हाँ सिद्रा, देखिए यहाँ पे आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जो पेरेंटल जो फेटर्निटी इस वक्त सुन रही है, खासतौर पर स्टूडेंट्स के, देखें इस वक्त हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है, फेसबुक पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, आप कैम्ब्रिज की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, अपनी एंट्रीज पे कॉमन जो कंप्लेन होती है सिद्रा वो ये है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो, वो कहते हैं जी स्कूल ने, कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने, दे डिड नॉट कम्युनिकेट टू अस। देखिए अब इतना मॉडर्न जमाना आ गया है कि वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं या पार्शियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप खुद जाइए उनके वेब पोर्टल्स को एक्सेस करें, हर चीज कैम्ब्रिज की, आखान बोर्ड की, मैट्रिक बोर्ड की वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। ये गलतियां जो हमारे बच्चे करते हैं, नौजवान करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ये फिर आगे जाकर उनको कॉस्ट कर रही होती है। इस वक्त तो आप शॉर्टकट लगा लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को कैम्ब्रिज में भी हमने देखा है कि जी प्रोविजनली एडमिट कार्ड इशू हो गया, आपका कोई डॉक्यूमेंट कम था, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो सही प्रॉपर नहीं था। आगे जाके जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्शन में आके इंटरव्यू की डेट भी गुजर जाती है, एडमिशन की भी डेट, और आप क्या कह रहे होते हैं, हमारे मुल्क का निजाम बहुत खराब है, लोग कॉपरेट नहीं कर रहे। देखिए आप अपने साथ कॉपरेशन करें सबसे पहले, एब्सोल्युटली ये आपके सेल्फ लव की दलील है कि आपको जो लिस्ट दी गई है डॉक्यूमेंट्स की वो पूरी करें, शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे, जिसको हम लोकल जबान में कहते हैं कॉन्टैक्ट या पौवे के चक्कर में ना करें कि ऊपर से फोन करा दिया, मेरे अब्बा तो बड़े असर और रसूख वाले हैं, हमें सब करने की जरूरत नहीं। आपको जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ आई, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहबा बात कर रही हूँ, क्या कहेंगे? मैं कराची से उसमें बात कर रही हूँ। मैम मुझे वैसे साहबा से ये बात करवा दें, ये मेरे मैट्रिक की मार्कशीट में मसला है, उसकी मार्कशीट के अंदर जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो दिसंबर में दी हुई है, और जो मेरे NIT में अब तक चल रही है वो पैक की है, जो कि रेयर है। सही, आपने जब फॉर्म भरा था तो आपने सही डेट ऑफ बर्थ डाली थी? अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स की हुई हूँ, और अब जाके इसलिए जरूरत पड़ी कि GST और GST के लिए जब अप्लाई करने के लिए आया तो उसमें ये शर्त रखी गई कि डेट ऑफ बर्थ में या NIC की डॉक्यूमेंटेशन में जरा सा भी फर्क हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सही सही। तो अब यानी आप चाह रही हैं कि ये करेक्ट कैसे होगा? चले हम बैरिस्टर अमरीन से फौरी तौर पर इस पे कॉमेंट ले लेते हैं। आप हमारे साथ रहेगा, आप हमारे साथ ब्रेक में रहिए, मैं आपको इसका ऑफलाइन जवाब देती हूँ, फिर मैं ऑन एयर व्यूवर्स को भी बता दूंगी। हमारे साथ ही रहिए, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, जितने दुख जितने कॉलर्स, हमें समझ नहीं आ रही कि कुछ जाहिर सी बात है इदारों और उसके अमले का भी इसमें पार्ट रहता है, प्रोसीजर्स लंबे भी हैं, लेकिन कुछ हमारा इम्पेशेंस भी है, हम सिस्टम पे यकीन रखना नहीं चाहते। कुछ अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को हासिल करने की, हमें लगता है कि इट इज टू टाइम इंटेंसिव, इसमें वक्त ज्यादा लगेगा, इसमें ख्वारी ज्यादा होगी, बस झटपट काम हो जाए, और झटपट के चक्कर में हम अपने लिए मुश्किलें कर लेते हैं। और दूसरा, जिस तरह बात नासिर भी कर रहे थे कि हम कुछ चीजें स्टडी नहीं करते, इसकी इम्प्लीकेशंस हो जाती हैं, फिर बाद में आपको पता चलता है कि या तो कुछ एक्सपायर हो गया, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, या फिर अलिफ से कहानी दोबारा शुरू होगी। बट लेट्स कम बैक टू द बेसिक्स अगेन, हमारी रुगबत क्यों नहीं है अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा रखने की? क्या कहती हैं साहब? पढ़े लिखे लोगों को आप देखें, उनके पास भी अपने तमाम दस्तावेजात कम्प्लीट नहीं होते, ना उनको फाइल करते हैं ना रखते हैं। हम आज तो नया चक्कर है ना कि जी मोबाइल में है वो इन्फॉर्मेशन, एंड दैट्स इनफ। हम एक्चुअली, अभी आपने वो टर्म यूज की थी, मैं भी उस टर्म को अक्सर यूज करती हूँ, पावे के माइंडसेट पे चलते हैं। हम चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं, हमारे यहाँ पे पढ़ी लिखी कम्युनिटी के मुंह से भी आप यही सुनते हैं ना, अफसोस की बात है, डॉक्टरी डिग्रीज करने के बाद भी तो क्या हुआ जी, पावा हो तो हो जाता है। ये जो पावे का कॉन्सेप्ट है और ये जो शॉर्टकट्स का कॉन्सेप्ट है, जब तक ये हमारे जहन से नहीं निकलेगा तब तक हम अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे। और अगेन, जब हमारे बड़े ही इस कॉन्सेप्ट में यकीन, ऐसा मैंने पहले भी अभी ये बात की, ऐसा नहीं होगा एकदम। और बड़ी मजेदार चीज देखें कि हमारे यहाँ एक पूरी मशीनरी है। बैरिस्टर अमरीन, आपकी तरफ आना चाहूंगी, किसी भी सरकारी दफ्तर के बाहर देख लें, हर अदालत के बाहर देख लें, आपको बड़े लोगों का कारोबार और घर चलता हुआ नजर आएगा।
जो आपको कहते हैं यार आप अपने दिमाग को छुट्टी दें, हमारा रोज का काम है, आपका फॉर्म फिल करना है, उसको एक्सपेडाइट करना है, अंदर जाके सारे काम कराने, ये जितने लोग जो भी नादरा की कंप्लेन कर रहे हैं ना, इससे हो सकता है इनमें से आधे लोगों ने किसी एजेंट से काम कराया, जो बाहर खड़ा था उसने कहा 1,000 रुपए मुझे दे, तो आई विल गाइड यू थ्रू और मैं लाइन भी क्रॉस करा दूंगा और मैं काम जल्दी करा दूंगा। ये चीज कब खत्म होगी पाकिस्तान से? शायद कभी नहीं। सही। मगर हाँ ये चीज खत्म हो सकती है कि हमें अवेयर होना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। हम बड़े डोमेस्टिकेटेड है, आई थिंक हम लोग बहुत आदमी भी और औरतें भी, हमें बस अपने काम के बाद दफ्तर से आके हमने घर घर में आना है, और जो औरतें हैं जो घर पे हैं उन्होंने बस घर में ही रहना है। सो ज्यादा उनका एक्सपोजर नहीं होता इन लीगैलिटीज या इन फॉर्मेलिटीज से, और जब होता है तो फिर हमारे पास इजी वे आउट के लिए वो लोग हैं जिनका आप मेंशन कर रहे हैं, जो यू नो मिसगाइड करके कुछ पैसों की वजह से, कुछ 2-3 हजार लेके उनको कहते हैं कि हम ये सारा कुछ कर देंगे, और जो नहीं होता। सबसे जरूरी है कि हम ये जो डेलीगेट कर देते हैं चीजें जो हमारे माइंड सेट में है कि ये कर देगा वो कर देगा, हमें खुद से काम करना सीखना आना चाहिए, हमें खुद से पढ़ना आना चाहिए, हमें खुद से समझना चाहिए कि क्या लीगल हमारे से रिक्वायरमेंट है, क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या होगा कि अगर हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, ये नहीं कि किसी और को कह दें और वो हमें फॉर्म फिल कर दे। इवन आपकी जो एप्लीकेशंस हैं जो यूनिवर्सिटीज भी जाती हैं, आई प्रोबब्ली जस्ट ऐड टू इट के वो भी आप किसी और से लिखते हैं, और बल्कि कभी कभार तो एसेज भी और सारी चीजें आप कराते हैं, आपको जब खुद पता ही नहीं है कि फॉर्म में क्या लिखा है तो गलती के चांसेस कई बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे, सिर्फ उनके डॉक्यूमेंटेशन उनकी एकेडमिक्स का मसला नहीं है, जब वो नौकरी की तलाश में जाते हैं और एचआर उनको कॉन्ट्रैक्ट देता है, उनसे रिक्वायरमेंट्स करता है, वहां पे भी वो उनके दस्तावेजात या तो कम होते हैं या बगैर पढ़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, इस पे क्या कहेंगे? सिद्रा, इससे पहले मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको क्या कहें कि जो अपना फॉर्म, अपना एकेडमिक डॉक्यूमेंट या तो अपने किसी सीनियर कोलीग से या अपने क्लास फेलो से या अपनी बहन से फिल करवा रहे होते हैं, उसमें भी गलतियां हो जाती हैं जो आगे जाके उनको बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं। और अगेन एज एन एजुकेशनिस्ट माई सेल्फ आई वुड लाइक टू वंस अगेन एंडोर्स कि देखें, अगर हमारे मुल्क में ओवरऑल लिटरेसी बढ़ेगी, लोगों में शऊर बढ़ेगा, आगाही बढ़ेगी, तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डेटा एनालिसिस, इस वक्त पूरी दुनिया ने जितनी भी तरक्की की है, मेरे ख्याल है उसकी अगर आप डीप रूट जाके चेक करें, ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, इन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और सिद्रा, आपने बार बार मेंशन किया, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि मोबाइल फोन में ड्राफ्ट मैसेजेस को सेव कर लेना, ये कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हम लोग भी ऐसे बड़े नहीं हुए। डायरीज को मेंटेन करें, जो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन है, अगर इलेक्ट्रॉनिक ने ऐसे ही रिप्लेस कर दिया होता हर चीज को, तो फिर कॉपी की किताबों की मेरे ख्याल जरूरत नहीं। बहुत अहम बात आपने की उसार, इसको एंड करने से पहले आपका जरूर इनपुट लूंगी। हमारे यहाँ यंग प्रोफेशनल्स इस प्रॉब्लम में अक्सर पड़ जाते हैं कि उनका अगर कोई सीनियर उनको ऑफलाइन
इंस्ट्रक्शन दे देता है, यानी उसका कोई ईमेल चेन नहीं होता। चले आप लिखत पढ़े डॉक्यूमेंट्स को छोड़िए, आजकल अगर इसका जमाना है तो व्हाट्सएप या जबानी काम कह दिया। डॉक्यूमेंटेशन में ये बात भी शामिल होती है कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है, अगर आप कोई पेशावराना जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसका कोई प्रूफ हो। कल को अगर आप पकड़े गए या आप पे बात आ गई कि आपने गलत किया है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपको इंस्ट्रक्शन दी गई थी? इस पे क्या कहेंगे सर? वेरी क्विकली, अनफॉर्चुनेटली हम सब में से कोई ना कोई इस चीज का शिकार हुआ है, इंक्लूडिंग मैं भी, कि अगर लेने देने के मामलात भी हैं और उसमें आपके पास व्हाट्सएप वॉइस नोट्स के अलावा कोई सबूत नहीं है, जो कि एक डॉक्यूमेंटेड सबूत नहीं है। इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट बींग ऑर्गेनाइज, प्लीज स्टार्ट नाउ। अपनी हर चीज की सेपरेट फाइल्स बनाए, कॉलम्स बनाए, हर चीज बाद में आती है, आपके कागज पहले आते हैं, और जब आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपको कितनी मुश्किलों से बचाता है। बिल्कुल, और छोटी से छोटी चीज, यानी अगर आपने अपने काम पे छुट्टी लेनी है, आपने बॉस से जबानी बात कर ली, उन्होंने हाँ कह दिया, लेकिन कल को एचआर ने आपको आके पकड़ लिया, जरूरी है कि ये परमिशन आप फॉर्मली लें, इसका कोई ईमेल कोई सबूत आपके पास होना जरूरी है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद थी, इसके अलावा नासिर जैदी और सहार हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, लेकिन अभी इसको हम फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो इसको हम वापस भी लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। बिफोर वी क्लोज द शो, और ये बड़ा एक और अहम मैसेज।